हे गेमर्स, कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आपकी गेमिंग? होपफुली बढ़िया चल रही होगी। तो रियलमी ने यहाँ पे एक अपना नार्जो सीरीज में नया स्मार्टफोन निकाल दिया जिसका नाम है नार्जो 50A प्राइम। अब यहाँ पे ये डिवाइस आता है 50 मेगापिक्सल कैमरा के साथ। जी हाँ, 50 मेगापिक्सल आपको कैमरा देखने को मिल जाता है, पर हम गेमिंग टेस्ट करने वाले तो हमारे लिए वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता। पर हाँ, जिसको कैमरा ओरिएंटेड स्मार्टफोन पसंद है शायद उनको ये डिवाइस ज्यादा अच्छा लगे। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है ये 6.6 इंच का फुल एच डी प्लस डिस्प्ले आगे की साइड, और यहाँ पे आपको यूनी एसओसी का T612 चिपसेट कंपनी की तरफ से दिया गया है। अगर मैं बात करूँ इसकी बैटरी की तो यहाँ पे आपको 5000 mAh बैटरी देखने को मिल जाती है। और बाकी फीचर्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे एंड्रॉइड 11 पे रन कर रहा है। हमारे पास 4 GB रैम वेरियंट है जिसमें आपको 128 GB की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे हम करने वाले हैं इसका BGMI गेमिंग टेस्ट। हमने गेम को इंस्टॉल कर लिया है, विद FPS दिखाएंगे, हीटिंग भी टेस्ट करेंगे, क्या ग्राफिक सेटिंग्स मिलती है, सब कुछ डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में जिसमें हम टेस्ट करने वाले हैं नार्जो 50A प्राइम का। तो यहाँ पे एक चीज जो मुझे अच्छी लगी, इतना ज्यादा रिलेवेंट नहीं है गेमिंग टेस्ट से, वो है इसका ओवरऑल फॉर्म फैक्टर और डिजाइन। काफी ज्यादा स्टाइलिश और काफी स्लिम डिवाइस कंपनी ने यहाँ पे बनाया है। तो अब वो चीज मैंने आपको बता दी, तो चलिए गेमिंग टेस्ट इसका शुरू करते हैं और लेट्स सी कि गेमिंग में कैसा परफॉर्म करता है नार्जो 50A प्राइम। तो गाइस, यहाँ पे हम आ गए हैं गेम के अंदर और सबसे पहले मैं आपको ग्राफिक सेटिंग्स दिखा देता हूँ। थोड़ा सा ऑडियो कम कर देता हूँ ताकि आपको अभी के लिए आवाज आती रहे मेरी। तो यहाँ पे अगर मैं जाऊँगा ग्राफिक सेटिंग्स दिखाऊँ तो आपको स्मूथ में हाई मिलता है जो कि बेस्ट सेटिंग रहेगी मेरे अकॉर्डिंग। आप बैलेंस में भी हाई खेल सकते हो और HD में भी हाई खेल सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं यहाँ पे स्मूथ में अल्ट्रा होना चाहिए था क्योंकि HD में हाई है, पर अभी के लिए यहाँ पे 30 FPS पे कैप्ड रहेगा। अगर कंट्रोल्स की बात करें, यहाँ पे एडवांस कंट्रोल्स में जाएं और यहाँ पे जायरोस्कोप को स्कोप ऑन पर डाल दें एंड लेट्स सी जायरो कैसा परफॉर्म करता है इसका। तो जायरो में यहाँ पे डेफिनेटली डिले है, तो अगर आप जायरो प्लेयर है तो डिवाइस आपके लिए नहीं है क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे विजिबल डिले आपको दिख जाएगा जायरो में। हाँ, आप खेल पाएंगे अगर खेलना है तो, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी प्लेबल नहीं है, पर हाँ वो फन नहीं आएगा जो एकदम स्मूथ जायरो में आपको यूजली देखने को मिलता है। तो चलिए थोड़ा सा गेम प्ले करते हैं इस पे और लेट्स सी कि गेम प्ले इसका कैसा रहता है। अबे क्या मारा उसने, तो यहाँ पे 30 FPS में कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। काफी मैचेस खेल लिया इसमें 4-5। तो यहाँ पे अगर आप TDM खेलते हैं तो 30 FPS मस्त चल रहा है। 40 मेरे हिसाब से दे देना चाहिए था, यूनि SSD का ये वाला चिपसेट हैंडल कर सकता है 40 पर, संभव नहीं दे रहे। क्या ही घटिया है मोरक्स में मेरा। नेड आ रहा भाई, ये बेस्ट गन है घटिया इनके लिए। देखा, बोला ना बस गोली चलाते रहो। तो TDM में तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप मस्त 30 FPS में खेल सकते हो, मस्त तो नहीं 40 होता तो बेटर रहता। Does not represent real life. Please play in moderation. पर अनरैंक्ड क्लासिक है, सीधा बूट कैम्प में जब मारेंगे एंड काफी लोग यूजुअली उतरते हैं तो सिर्फ आपको आइडिया लग जाएगा कि 30 FPS कितना ही मेंटेन कर पाता है।
बूट कैंप कूद तो गए, अभी तो 30 FPS दे रहा है। तो ठीक ठाक हैंडल कर रहा है यार 30 FPS। गाइस यहाँ पे हमें हो गए 38 मिनट्स, ऑलमोस्ट 40 मिनट्स होने को आए हैं। और टेम्परेचर्स की बात करें तो आपको दिखेगा कि मैक्सिमम टेम्परेचर्स 42.4 42.5 आने अपर डिस्प्ले में यहाँ पे। और बैक साइड की बात करूँ तो बैक साइड में मैक्सिमम टेम्परेचर 41.8 42 तक ही जा रहे हैं, तो ऐसा कोई हीटिंग इश्यूज तो नहीं है आफ्टर 40 मिनट्स ऑफ गेमिंग। सो ओवरऑल हमारा गेमिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा नाजो के नए डिवाइस पर, नाजो 50A Prime पर? तो यहाँ पे हमारा डिसेंट एक्सपीरियंस रहा क्योंकि यहाँ पे 30 FPS मिलता है। प्राइसिंग हमें अभी एग्जैक्ट नहीं पता इसकी, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 10 से 12 हज़ार के अराउंड ये रह सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर भी जा सकते हैं क्योंकि इसमें आपको ये 50 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप दिया गया है। फुल एचडी डिस्प्ले है 6.6 इंच का, यूनिएसओसी का T612 चिपसेट के साथ ये आता है और 5000 mAh बैटरी जैसा कि हमने आपको बताया। तो यहाँ पे अगर 40 FPS मिलता ना तो भाई मजा ही आ जाता। 30 FPS ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। यहाँ पे जब बात आती है 30 FPS मेंटेन करने की तो यूनिएसओसी का T612 केपेबल चिपसेट है, 40 FPS भी हैंडल कर सकता है, तो होपफुली वो शायद हमें अपडेट देखने को मिल जाए। यहाँ पे जायरोस्कोप में मुझे इतना मजा नहीं आया क्योंकि हल्का सा डिले था जायरोस्कोप में, तो जायरो प्लेयर अगर आप जायरो को तो नहीं यूज कर पाएंगे। 30 FPS गेमिंग आपको करनी है तो आप कर सकते हैं, पर ये गेमिंग ओरिएंटेड डिवाइस से ज्यादा कंपनी ने कैमरा ओरिएंटेड स्मार्टफोन बनाया है, तो अगर आप कैमरा फीचर्स और उन सब के लिए इसको चेकआउट करना चाहते हैं तो जरूर कर सकते हैं। जो 50 MP कैमरा के साथ ही आता है, गेमिंग ठीक ठाक मेंटेन कर लेगा 30 FPS पे। हीटिंग इश्यूज ऐसा मुझे देखने को नहीं मिले इस स्मार्टफोन में। आप बताइए आपको कैसा लगा नार्जो 50A Prime। प्राइसिंग देखते हैं इसका क्या रहता है, अगर 15,000 हुआ तो मेरे हिसाब से गेमिंग के लिए तो थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाएगा, 10 से 12 हज़ार के अराउंड हुआ तो गेमिंग के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है क्योंकि इस प्राइस पॉइंट में यूजली आपको 30 FPS या कभी कभार 40 FPS देखने को मिल जाता है। तो लेट्स सी प्राइसिंग क्या रहता है इस स्मार्टफोन का। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली बार, तब तक के लिए कीप गेमिंग एंड रिमेंबर गेमिंग इज नॉट अ क्राइम।